गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका ये नया बैच स्टार्ट है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, ठीक है। तो एसएससी का जो बैच है, एसएससी का बैच रहेगा ये, और इसमें कुछ और भी कुछ एग्ज़ाम्स है जो एसएससी रिलेटेड जो सिलेबस है वो है। तो सबसे पहले हम एसएससी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसका स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम हमारा जो कंटिन्यू जो बैच है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एसएससी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एसएससी क्या है। तो कोई बताएगा एसएससी क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी जो है, एसएससी है क्या चीज? एसएससी जो हमारा है वो सिर्फ एक बोर्ड है, एक संस्था है। जैसे कि हम, जैसे आप सबने 11 12th में या 10th में सबने हमने एग्जाम्स दिए हैं, तो वो क्या, एक जैसे कि दिल्ली में है सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई क्या, एक बोर्ड है, वो एक क्या करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ताकि कि आप जितने भी स्कूल्स हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, उन सबका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उसका सारा पैटर्न जो होता है वो किसका होता है, सीबीएसई का होता है। जैसे बिहार से आप बिलोंग करते तो बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान से करते तो राजस्थान का बोर्ड हो गया, अजमेर बोर्ड जो है। तो ऐसे ही जो एसएससी जो है, एसएससी क्या है, वो सिर्फ एक बोर्ड है जो कि आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, और एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के बाद जहां जहां गवर्नमेंट जॉब में जो वैकेंसीज निकलती है उनमें वो फिर उसी हिसाब से आपको भेजते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे। तो ऐसी इसी तरीके से एसएससी के बहुत सारे पार्ट है, जिसमें कि जो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें एक आता है एमटीएस। क्या रहेगा सबसे पहले? एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि किस लेवल पे होता है, 10th लेवल पे होता है। किस लेवल पे रहेगा? 10th लेवल पे रहेगा। तो एसएससी में क्या है, एमटीएस जो है, एमटीएस जो हमारा किस पे, 10th बेस पे रहेगा, कि जो 10th जिन्होंने क्लियर करी है कि उनके बेसिस पे, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए, जैसे कि पियोन या फिर उससे थोड़ा सा जो फाइल इधर से उधर करते हैं, उन सब के लिए होता है। दूसरा फिर इसमें होता है सीएचएसएल। अभी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट है आज से। सीएचएसएल का किसी ने फॉर्म भरा हुआ आप में से? एग्जाम कब आपका? 27 को। अच्छा, अभी टाइम है। तो सीएचएसएल जो है वो 12th लेवल पे रहेगा। सीएचएसएल जो रहेगा वो किस पे रहेगा? 12th लेवल पे। और तीसरा जो है इसमें रहेगा आपका सीजीएल। सीजीएल जो है वो किस पे रहेगा? ग्रेजुएशन बेस पे। ये तीन जो बेसिक है, इसके अलावा भी है। इसके अलावा जैसे कि एक हमारा जीडी कांस्टेबल, वो फोर्स के लिए है, उसका भी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? एसएससी कंडक्ट करवाता है। सीपीओ एसआई है, वो भी ग्रेजुएशन बेस पे रहेगा, इसका भी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो एसएससी जो है वो क्या करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जहां जहां वैकेंसीज होती है उसके हिसाब से क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और वो उसी की प्रिपरेशन आपको करनी है। तो हम सबसे पहले एसएससी के बारे में जान रहे हैं, फिर जैसे कि बैंकिंग है तो बैंकिंग में क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो सारी चीजें जानेंगे। तो यहां पर बेसिकली सिलेबस सबका सेम है, बस लेवल थोड़ा ऊपर और नीचे है। एक दो एग्जाम इसमें ऐसे है जिसके अंदर इंग्लिश नहीं आती। अभी जैसे दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी अब कौन कंडक्ट करवा रहा है? पहले तो दिल्ली पुलिस खुद लेती थी एग्जाम, अब कौन कंडक्ट करवाता है? एसएससी ही कंडक्ट करवाता। तो उसका भी पैटर्न जो रहेगा कौन सा रहेगा? एसएससी का ही पैटर्न रहेगा। तो बेसिकली हमें जो है एसएससी के हिसाब से तैयारी करनी है कि ये जितने भी एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो या जीडी कांस्टेबल हो या सीपीओ एसआई हो या फिर आपका सीजीएल सीएचएसएल, ये सारे क्या है, एसएससी के अंडर में ही आएंगे। और फिर बैंकिंग सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा अलग है। तो बैंकिंग सेक्टर का जो है एग्जाम एसएससी कंडक्ट नहीं करवाता, उसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? आईबीपीएस। उसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? आईबीपीएस। तो अभी बैंकिंग के बारे में भी जानेंगे, पहले हम इसके बारे में जानते बेसिकली। जैसे अगर हम सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की बात करें, तो यहां पर आपके चार सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट पेपर में। जो टायर वन होगा उसमें कितने सब्जेक्ट होंगे? फोर सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से पहला एक आपका रहेगा मैथ्स, दूसरा एक रीजनिंग, थर्ड जीके एंड फोर्थ इंग्लिश। ये चार सब्जेक्ट आपके रहेंगे, और इन चारों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस रहेंगे सब में से, 25 25 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 25 रीजनिंग के रहेंगे, 25 जीके के रहेंगे, 25 ही किसके रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, और ये जो 100 क्वेश्चंस जो हैं, इनके लिए जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट 60 मिनट। और ये जो 100 क्वेश्चंस हैं सभी दो नंबर के होंगे, तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, और 200 नंबर में से आपको कट ऑफ जाएगी। तो एमटीएस की अलग होती है, सीएचएसएल, सबके अलग अलग कट ऑफ रहेगी, जैसे जैसे एग्जाम होगा उसके हिसाब से उनकी कट ऑफ जाती है। तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें,
ठीक है। सबसे पहले क्या है कि सिलेबस जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, और सिलेबस के साथ साथ भी इन चीजों को कैसे यूज करना, ये नहीं कि आप एक बार हमने मैथ्स का कोई चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर किया, उसको किया, फिर सेकंड किया, थर्ड किया, जब हम 25th चैप्टर पे जाएंगे या 26वें जितने भी हमारे चैप्टर है टोटल, जब लास्ट चैप्टर करेंगे, अगर पीछे वाले हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ के साथ तो क्या रहेगा, पीछे वाला सारा भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। तो और टाइम जो सबसे जरूरी चीज है एग्जाम में, वो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि टाइम बहुत कम है, और बहुत से ऐसे भी कहते हैं कि टाइम हमें तो बहुत टाइम मिला था। ठीक है, दो चीजें, एक तो कोई कहता है कि ठीक है टाइम ठीक ठाक है, 60 मिनट है हमारे लिए बहुत है, कुछ कहते हैं कि 60 मिनट हमारे लिए बहुत कम टाइम पड़ गया, और कुछ कहते हैं कि 60 मिनट से पहले ही हमने पेपर कर दिया। कोई ऐसे भी होते हैं जो 20-30 मिनट में भी पेपर कर देते हैं एसएससी का, लेकिन वो 20-30 मिनट में कौन करते हैं, जिन्होंने तैयारी ही नहीं करी। क्या क्या, एक से लेकर 100 तक क्या करना था, टिक करना था, उन्होंने फटाफट टिक किया और खत्म हो गया। क्यों, तैयारी हमने कुछ कर नहीं रखी, हमें कुछ पता है नहीं, कुछ आता नहीं है, तो हमारे लिए तो 60 मिनट भी ज्यादा है। और जिसने तैयारी कर रखी है कि मैंने तैयारी मेरी पूरी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, उसके लिए 60 मिनट बहुत कम है, उसको लगता है कि 60 मिनट बहुत कम है। किसको, जिसकी तैयारी तो है, प्रिपरेशन उसने कर रखी है लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रखी। इससे क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस वो करते जा रहा है लेकिन जो टाइमिंग है उसका, वो टाइमिंग मैच नहीं हो रहा। उसने देखा कि 60 मिनट में उसके 50-60-70 क्वेश्चन ही हुए, 30 क्वेश्चन छूट गए, तो उसके लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम हम कैसे मैनेज करेंगे, तो यहां पर हमें, जैसे कुछ लोग ये भी है कि ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, डिवाइड किया कि एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक एक क्वेश्चन के लिए टाइमिंग लेके चलोगे। क्योंकि यहां पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे जीके, आपका जीके में 25 क्वेश्चंस हैं, तो क्या 25 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। कई बार ये करते हैं कि भी मैथ्स के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के भी 15 मिलेंगे, जीके के भी 15 मिलेंगे, इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट मिलेंगे, तब जाके हमारे पूरे 60 मिनट्स होते हैं और चारों सब्जेक्ट कवर होते हैं। लेकिन एसएससी में अभी ऐसा नहीं है, बैंकिंग का अलग है, क्योंकि बैंकिंग में टाइमिंग दे रखा है कि आपको इंग्लिश के लिए इतना टाइम मिल रहा है, मैथ्स के लिए इतना है, जीएस के लिए, और जीके तो खैर उसमें आती नहीं फर्स्ट पेपर में, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग है। तो यहां पर लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स के लिए 15 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग के लिए 15 मिनट्स मिलेंगे, जीके के लिए। एसएससी में क्या है कि आपको टोटल टाइम मिलेगा, एसएससी में क्या, आपको पूरे 60 मिनट्स मिलेंगे, वो 60 मिनट्स आपके हैं, आप उसको किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में 60 मिनट लगाना चाहो वहां लगा सकते हो, अगर आपको सारे 60 मिनट में करना है तो आपको सारे क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। और ये प्रैक्टिस और टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनमें यही रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचा, 60 मिनट में हमारा नहीं हो पा रहा, तो टाइम आपको मैनेज करना है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले कम करते हैं जीके की बात, जीके के जो 25 क्वेश्चंस है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 25 क्वेश्चंस करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, मैक्सिमम टाइम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए, 7-8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं चाहिए। क्योंकि यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आपको याद है, आपको पता है तो आपको टिक करोगे, नहीं तो आप उसमें कोई कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते कि जो आप टाइम लगाएंगे। तो मैक्सिमम टाइम हमने लिया 10 मिनट्स की, अगर जीके में आप टाइम दे रहे हो तो मैक्सिमम आप कितना टाइम है, 10 मिनट। जैसे आप 7-8 मिनट कह रहे हो तो ऐसा नहीं 7-8 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लेके चल रहे हैं 10 मिनट। तो 10 मिनट में हमारी जीके कंप्लीट हो सकती है 25 क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, मैक्सिमम टाइम 10 मिनट, किसी को 12 मिनट भी लगते हैं, तो 10 से 12 मिनट है तो 10 से 12 मिनट भी ले सकते हो, आप 15 मिनट कोई लेना चाहे तो 15 मिनट भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसी के हिसाब से आपको ऊपर थोड़ा सा टाइमिंग कम करके चलना पड़ेगा। अगर हम 15 मिनट भी ले रहे हैं तो 15 मिनट भी इनफ है, बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम लेके चलना, यहां भी हमने 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिए, यहां भी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लिए इंग्लिश के लिए भी, कि 25 क्वेश्चन करने के लिए हमें 15 मिनट। अब बात आती है कि रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो यही दो सब्जेक्ट आपके, मैथ्स और रीजनिंग, जो सबसे ज्यादा टाइम खाते हैं, और यही दो सब्जेक्ट ऐसे भी है जो सबसे ज्यादा आपको स्कोर करवाते हैं। क्योंकि ये दोनों है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो दोनों में पैटर्न है कि भाई इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जीके का कोई वो नहीं है, जीके कहीं से भी उठ के आ जाती है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, मैथ्स का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, रीजनिंग का सिलेबस उतना बड़ा नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि मैथ्स और रीजनिंग में जो है यहां पर आपको टाइम मैनेज करना है, और ये जो टाइम मैनेज होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे हम सिलेबस करते चलेंगे, हमारा जो चैप्टर होते रहेंगे उसके हिसाब से इनका टाइम मैनेज होता जाएगा। कि देखिए, सबसे पहला काम तो ये करना कि हमें सारे जितने भी चैप्टर है वो चैप्टर कवर करने,
कि कौन सा चैप्टर है, उसको हमें प्रैक्टिस करते करते कि उस चैप्टर में जब आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी तब जाके आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका रीजनिंग पूरा कंप्लीट होता है तो रीजनिंग में आपको टाइम सबसे पहला टाइम जो है वो रीजनिंग का ही मैनेज करना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम जब करने बैठते तो हमें बहुत आसान लगता है, ऐसा लगता है ना कि रीजनिंग क्या बहुत ईजी है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो 25 क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वो 25 क्वेश्चन करने में हमें कम से कम आधा घंटे से भी ऊपर टाइम लग जाता है अगर हम करने बैठते हैं तो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रीजनिंग में आधा घंटा लगाएं, बहुत से तो ऐसे भी है अगर एक बार आप फर्स्ट टाइम जब बैठोगे तो 35 से 40 मिनट भी लग जाते हैं, क्वेश्चन आप पूरे 25 कर दोगे लेकिन टाइम कितना लग रहा है 35 मिनट 40 मिनट, तो वो टाइम आपका नहीं लगना चाहिए और वो आपका आएगा सिर्फ प्रैक्टिस पे। तो इसकी जो प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की, तो जब आपका कुछ क्वेश्चन चैप्टर्स जब हो जाए 10-15 चैप्टर हो जाए तो उसके बाद से डेली एक पेपर सेट उठाना है, प्रीवियस ईयर पेपर सेट जो हमारा एग्जाम में ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो एसएससी का है या दिल्ली पुलिस का है, सीपीओ का है या यूपी पुलिस का है, या फिर आप बैंकिंग की कर रहे हो तो बैंकिंग का कोई भी है। तो यहां पर अभी हम एसएससी की कर रहे हैं तो सिर्फ एसएससी में, क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो एसएससी के बारे में हम देख रहे हैं। तो एसएससी का जब हम कर रहे हैं पेपर सेट, तो फर्स्ट जो पेपर सेट आप कर रहे हो उसमें आपको कितना भी टाइम लगे आपको सारे क्वेश्चंस करने, जितने आप कर सकते हो जितने आपको आते, चाहे ये 25 क्वेश्चन करने में आपको 30 मिनट लग रहे हो, 35 मिनट लग रहे हो या 40 मिनट लग रहे हो, लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं, 35-40 मिनट अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 30 मिनट 35 मिनट आपका हो सकता है, इतना ज्यादा टाइम चला जाए। तो ये पहले 10 पेपर सेट, सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहे हैं अभी, पहले हमने 10 पेपर सेट करे, उस 10 पेपर सेट में हमारा एक ही टारगेट है कि हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, टाइम कितना भी लगे हमें टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। लेकिन जब आप 10 पेपर सेट कर लोगे, उस 10 पेपर सेट के बाद में आपको फिर जब दोबारा पेपर सेट करने स्टार्ट करो 11वां, तो 1 से लेके 10 तक तो आपके पास कोई टाइम की लिमिट नहीं थी, लेकिन जब आप 11 से 20 तक फिर अगले जब 10 पेपर सेट करोगे तो वहां पर आपको टाइम फिक्स करना है कि मुझे कितना टाइम चाहिए। अगर आप यहां पर कर रहे हो, मान लो आपको 30 मिनट में आपका आ जाएगा लास्ट तक, 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आ रहा है या फिर उससे कम टाइम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो हम यहां पर टाइम मैनेज कर सकते हैं कि 11 से 20 पेपर सेट जब हम करेंगे तो यहां हम टाइम फिक्स करेंगे हमारा 25 मिनट्स। 25 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से हो जाएगा, या फिर ऐसा लगता है कि 25 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन 10 पेपर सेट हो सकता है कि पहले पेपर सेट में ना हो, 25 में से 20 ही क्वेश्चन हो, 22 ही हो, 23 ही हो, ठीक है, लेकिन टोटल अगर आपके 25 मिनट्स नहीं लगे, 25 मिनट्स, लेकिन जब आप 20वां पेपर सेट जब आप करोगे, जब 20वां पेपर सेट करोगे तो 25 मिनट से कम टाइम आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से आपको 10 पेपर सेट उठाने, अगले जो 10 पेपर सेट उठाओगे 21 से 30 के बीच के, इसके लिए फिर आपको टाइम फिक्स करना है 20 मिनट्स। लेकिन जब आप 21 से 30 अगले जो 10 पेपर सेट करोगे, टाइम आपको फिक्स करना है कि मेरे को 20 मिनट में करना, बेशक मेरे कितने भी क्वेश्चन हो उसमें, लेकिन जब आप 20 मिनट का टाइम फिक्स करोगे तो आप फिर 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग की बात है, फिर 20 क्वेश्चन नहीं हो, पूरे 25 क्वेश्चन नहीं होंगे, हो सकता है 18 क्वेश्चन हो सकता है 20 हो सकता है 22 क्वेश्चन ही हो, लेकिन जब धीरे धीरे जब 30वां पेपर सेट जब आप करोगे तो ये 20 मिनट के अंदर अंदर आपके पूरे 25 क्वेश्चन होने लग जाएंगे। बट प्रैक्टिस वही करने के, टाइम फिक्स है कि मेरे को 20 मिनट से ज्यादा एक सेकंड भी नहीं लेना, 20 मिनट में खत्म कर देना। तो उसमें क्या होगा कि मान लो फर्स्ट पेपर में हमारे कम क्वेश्चन हो रहे, तो अंदर से अपने आप ही हिम्मत होगी कि अगली बार मेरे को 2 क्वेश्चन और फालतू करना है, अगली बार 1 क्वेश्चन और फालतू करना है, ताकि मैं 20 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने पूरे क्वेश्चन कर सकूं 25 के 25। उसके बाद में अगले, ये देखिए 40 दिन की मेहनत है सिर्फ, अगले 40 दिन में यही टाइम उठाकर आपको सीधा कर देना 15 मिनट, और 15 मिनट्स के अंदर हो सकता है वही जब 31वां पेपर सेट करेंगे फिर वही रहेगा, क्योंकि हमारी आदत जो बनी हुई है वो क्या बनी हुई थी, हम 20 मिनट लेके चल रहे थे, लेकिन जब हम अगले पेपर सेट से करेंगे और हमने अपना टाइम फिक्स कर लिया कि 15 मिनट में ही मुझे करना है, तो पहला जो पेपर सेट होगा 15 मिनट वाला, वो हो सकता है कि उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस मेरे बहुत कम हो, लेकिन जब आखिरी 10वां पेपर सेट जब आप करोगे तो 15 मिनट के, मेरी गारंटी है, अगर इसी सीक्वेंस के हिसाब से आप चलोगे डेली, धीरे 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 बढ़ना है, तो जब आप 40वां पेपर सेट करोगे तो आप 15 मिनट क्या 13 से 14 मिनट के अंदर भी पूरे 25 के 25 क्वेश्चन कर दोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आप नहीं कर सकते हो। और जब 40 पेपर सेट करोगे तब आपको पूरा पैटर्न भी समझ में आ चुका होगा कि एसएससी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो जो रिपीट होंगे तो वहां तो टाइम वैसे भी नहीं लगना। तो यहां पर हमने जो टाइम फिक्स कर लिया तो वो हमारा टाइम कितना आ गया, 15 मिनट्स। और ये नहीं कि एक बार 15 मिनट आ गया उसके बाद आप प्रैक्टिस छोड़ दो,
जैसे आपने प्रैक्टिस छोड़ी 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वापस फिर इसी लेवल पे आप फिर से आ जाओगे। इस पे ना सही तो हो सकता आप 20 मिनट वाले पे रह जाओ या फिर 25 मिनट वाले पे रह जाओ, 15 मिनट पे तो नहीं रह पाओगे अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो। प्रैक्टिस कंटिन्यू, देखिए कितना टाइम चाहिए हमें रीजनिंग के लिए डेली अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना टाइम चाहिए? सिर्फ 15 मिनट। तो 15-15 मिनट डेली हम निकाल सकते हैं, 15 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं, एक एक पेपर सेट करोगे तो बहुत है। उसके बाद बचा हुआ सारा टाइम आप मैथ्स के लिए दे सकते हो और आपको मैथ्स में भी बहुत टाइम मिल रहा है। फिर अब आप देखिए, आप खुद अपना कैलकुलेशन कीजिए कितना टाइम मिल रहा है मैथ्स के लिए, 20 मिनट मिल रहे। क्या 20 मिनट में हम 25 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे? अगर हम एवरेज भी लेके चले, ऐसा होता तो है नहीं कि आप हर क्वेश्चन के लिए एवरेज लेके चलो, एवरेज अगर हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट मिल रहा है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं मैथ्स में जो 5 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड में हो जाते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो पूरा एक मिनट भी ले जाता है। अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मेरे को अभी याद है, कल किसी ने मेरे से पूछा था, तो वो आया था जैसे कि नंबर मेरे को याद नहीं, 3, 4, x, 5, 8, 7 की स्टार, ये जो है एक्स की जगह ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो ये क्वेश्चन कितने देर का है? मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, कि सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, एक्स की जगह क्या रखे कि नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हमें पता है 11 की प्रॉपर्टी के, 11 का रूल क्या है, तो हम फटाक से चेक करके बता सकते हैं कि इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। अभी किसी ने नहीं दिया आप लोगों में से? सीजीएल का पेपर अभी मैंने देखा है कि सीजीएल का पेपर बहुत आसान पेपर आ रहा है, कभी भी मुश्किल पेपर नहीं आ रहा, क्योंकि जब से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ है लेवल जो है उसका थोड़ा इजी हो चुका है। अभी जैसे सीएचएसएल का, तो ध्यान रखना सीएचएसएल का लेवल भी वैसे रहेगा, ये नहीं रहेगा कि बहुत टफ लेवल रहेगा, तो वो आपको टाइमिंग भी उसी हिसाब से मिला तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल होता है। तो 20 मिनट आपको यहां मिल रहा है तो फिर उसी हिसाब से मैथ की भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे हम रीजनिंग की कर रहे थे वैसे ही मैथ्स की। अगर हमें 20 मिनट मिल रहा है तो हमें 20 मिनट में ही काम करना है, 25 में से बेशक हमने 18 ही क्वेश्चन करे, लेकिन डेली जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे हम रीजनिंग कर रहे थे वैसे मैथ करते रहेंगे, धीरे 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 करेंगे, तो 20 मिनट क्या, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 मिनट के 18 मिनट में भी हो जाएंगे फिर तो। लेकिन ये सारा टाइम जो मैनेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो एक ही तरीका रहेगा, वो रहेगा आपकी प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा सिलेबस हो गया हम कर लेंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, तभी टाइम मैनेज होगा। बहुत से स्टूडेंट की लास्ट तक यही प्रॉब्लम रह जाती है कि सर आता तो सारा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। तो टाइम कैसे मैनेज होगा? प्रैक्टिस पे। और जो मैथ्स का जो लेवल है, चाहे आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, वो मैथ्स जो हमारी सिर्फ 10th क्लास तक के लेवल की मैथ्स आती है, 10th तक की। एक जो 10th क्लास का जो स्टूडेंट है, जो अभी 10th में पढ़ रहा भी, उसके बोर्ड के एग्जाम होने हैं, अगर उसको भी आप एसएससी सीजीएल का पेपर दोगे तो वो पूरे 25 में से 25 के 25 क्वेश्चंस कर देगा। लेकिन वो इन 25 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लेगा? कम से कम 1 घंटा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। और हम यहां पर जो मैथ्स करेंगे या रीजनिंग करेंगे, हम फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स और रीजनिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे शॉर्टकट से, ताकि हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके। और जिन्होंने जो फॉर्मूले कर रखे उस फॉर्मूले को हम साइड में ही रखेंगे, फॉर्मूले से बेस्ड हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है।